Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी। सुबह के 5 बज चुके हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है पिक्यूलियर इंग्लिश को लेके। तो जल्दी से मेरे साथ एक बार जुड़ जाइए, फटाफट आ जाइए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। शुरू से लेके एंड तक आपको सेशन को देखना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना फ्रूटफुल ये सेशन आप लोगों के लिए है। तो आज का पहला वर्ड है आप लोगों की आंखों के सामने, गेट क्रैशिंग। तो गेट क्रैशिंग का मतलब क्या होता है? गेट होता है आप लोगों का दरवाजा, क्रैशिंग होता है तोड़ना, मरोड़ना। गेट क्रैशिंग का मतलब दरवाजा तोड़ना नहीं होता। ग्रेट क्रैशिंग का मतलब होता है जब आप बिना बुलाए कहीं पे पहुंच जाते हैं, कि बिना बुलाए किसी भी पार्टी में आप पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? गेट क्रैशिंग। गेट क्रैश, इसको आप ये वर्ब की तरह पे आप इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर जी जरा एक बार जल्दी से इसका मीनिंग दिखाया जाए। एंटरिंग विदाउट परमिशन, ये आप लोग यहाँ पर इसका मीनिंग याद कर सकते हैं। और अब आप लोगों को ये बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया होगा जैसे आप लोगों ने इस पिक्चर को देखा होगा। गाइस, में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, मेरा अपना रिसर्च एक होता है कि मैं अगर ये वर्ड मुझे समझाना है तो मैं कौन सी पिक्चर बच्चों के सामने दिमाग में लेके आऊँ। दे कौन? दे थ्री इडियट्स, दे डिसाइडेड टू गेट क्रैश द वेडिंग। उन्होंने क्या किया कि हम इस वेडिंग में पहुंच जाते हैं और जाके वापस फंस गए थे। क्लियर हुआ कि नहीं? बेचारे भूखे घर से निकले थे और यहाँ पे आके फंस गए थे। आई होप ये जिंदगी में ये वर्ड कभी अब आप लोगों को भूलेगा नहीं, दैट आमिर खान एंड यू कैन से अदर, दे डिसाइडेड टू गेट क्रैश द वेडिंग। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और आपके लोगों के लिए इसमें ऑलरेडी पहले पिक्चर आ गई, हैन पार्टी। हैन पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि कोई पार्टी है किसी बर्ड को लेके हम बोलते हैं, मुर्गी को लेके बोलते हैं, नहीं। जब सारे के सारी लेडीज जो हैं वहाँ पे इकट्ठी हो रखी हों और पार्टी कर रही हों, उस पार्टी को आप लोग बोलते हैं जहाँ पर मेल अलाउड नहीं होता, उस पार्टी को बोलते हैं अ हैन पार्टी, ए पार्टी ओनली फॉर वुमेन। दे इंजॉयड द हैन पार्टी यस्टरडे। उन्होंने क्या किया? कोई भी वहाँ पर मेल नहीं है, ऑल फीमेल्स आर देयर एंड दे इंजॉयड द हैन पार्टी यस्टरडे। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कुछ विचित्र से वर्ड हैं जिससे आपकी स्पोकन भी अच्छी हो सकती है और एग्जाम में तो ये आपका फायदा करेंगे ही करेंगे। चलते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ। अब कुछ बॉयज बोलेंगे, सर अगर गर्ल्स की पार्टी होती तो अकेले अकेले बॉयज की पार्टी क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैग पार्टी। वो क्या होता है आपका? स्टैग पार्टी। स्टैग पार्टी का जरा मीनिंग बताएंगे एक बार कंप्यूटर महोदय। अ पार्टी ओनली फॉर मैन, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आई एम इन्वाइटेड टू अ स्टैग पार्टी टुनाइट। कोई स्टैग पार्टी हो रही है और उसमें मुझे भी इन्वाइट किया गया है, इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। तो आपने हैन पार्टी देखा, आपने स्टैग पार्टी देखा। आई होप आपको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे। तो गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो बच्चा अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग देखना ना भूलें। अगर आप इन वर्ड्स को याद करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन को उठाइए, कमेंट बॉक्स में सारे वर्ड्स को टाइप करके लिख दीजिए, अपने आप लोगों को याद हो जाएंगे। यार मैंने खुद ऑलरेडी आप लोगों को जब ये टाइप किया होगा मैंने लिखा है, मुझे याद हो गया है, ऐसे ही आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।